27 मई हरियाणा प्रदेश रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पार्ट टू के साल 2016 में लगे कर्मचारियों को निकालने के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य परिवहन चंडीगढ़ के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बलवान सिंह का कहना है कि सरकार का काम रोजगार देना होता है, न कि रोजगार को छीन लेना। इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए करीब 350 बर्खास्त कर्मचारी आज धरने प्रदर्शन पर मौजूद रहे। चलिए आगे देखते हैं, नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों ने किन शब्दों में अपना दर्द बयां किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनदीप गौतम। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ जिले के हरियाणा के बस के डिपो में, जहां पर कर्मचारियों को निकालने की बात की जा रही है। आइए, पूरा मसला क्या है जानते हैं हम। सर, आपका नाम? रामपाल। रामपाल जी, यहां के वर्करों को निकालने की बात की जा रही है, क्या ये पूरा मसला? सर ये ऐसे है ना सर, जैसे हम यहाँ पे पार्ट वन के तहत रखे गए थे सर, यहाँ पे अभी हमारे को 3 महीने कुछ हुए हैं, 3 महीने ही हुए हैं सर। इसे ऐसा बोला गया कि हमारे पास 23 तारीख को हमारे को यहाँ पे बोल दिया गया था कि आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया। इसके खिलाफ कोई पहले भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या आपसे कहीं कुछ लिखा पड़ी सर, गई होगी आपको निकाला जाए? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। अचानक ये फैसला लिया गया, अचानक ये तो इस फैसले से आपकी गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? एकदम सर बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है सर। और अब 3 महीने से यहाँ लग रहे थे, कुछ तो लोग 2016 से जो रखे हुए हैं वो उनको 4-5 साल हो गया, अब ये बताओ ये कहाँ जाएंगे? अब आगे और कहीं रोजगार भी नहीं मिलेगा, अब तो रोजगार तो गया है, कहीं तो अब शादीशुदा भी उनके बच्चे रुल जाएंगे जी, घर से भी बेरोजगार हो जाएंगे जी। मतलब हमारे पास यहाँ से जाने के सिवा कहीं रोजगार नहीं है जी। पार्ट वन और पार्ट टू के तहत कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सभी की सेवा समाप्ति कर दी जाए और अलग से एक लेटर और जारी किया सभी मावर्दों को कि भी आज इसके ऊपर कार्रवाई करके तुरंत जो है मुझे सूचित किया जाए। तो सभी टीमों ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए सभी डिपो में जो भी कर्मचारी हमारे पार्ट वन पार्ट टू के तहत कार्य कर रहे थे सभी को निकालने के आदेश जारी कर दिए। आज इसमें कम से कम 350 हमारे चालक हैं जो 2016 में लगे थे, उनको सभी को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि भी ये अधिकारी इतना तानाशाही रवैया सरकार की अवमानना या माननीय हाईकोर्ट की अवमानना कैसे कर रहा है, क्योंकि सरकार का काम रोजगार देना होता है न कि छीनना होता है। लेकिन ये साहब सरकार से भी ऊपर जाकर के एक द्वेष भावना के तहत कर्मचारियों का शोषण कर रहा है और उनको जो बर्बाद करने का जो काम कर रहा है। हाईकोर्ट की क्या रूलिंग है इसमें? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पीछे 18 दिन की हड़ताल चली थी उस दौरान जो है जो सरकार की तरफ से जो एस्मा लगाई गई थी और एस्मा के तहत जितने भी हमारे पे कार्रवाई हुई थी, चाहे वह सस्पेंशन की थी, डिसमिसल की थी, सस्पेंड एब्सेंट जो भी थी, जितने भी माननीय हाईकोर्ट ने उसको जो है सभी कार्रवाई को सस्पेंड करते हुए एक एक कर्मचारी को जो है ड्यूटी पर लिया था। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ उधर तो माननीय हाईकोर्ट की मानना, इधर अभी जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें आचार संहिता लगी हुई थी और उस आचार संहिता का प्रभाव 25 मई तक था, लेकिन हमारे एसी साहब ने उसकी परवाह न करते हुए 23 मई को ही जो है कर्मचारियों को निकालने के आदेश जारी कर दिए। तो मैं कहता हूँ सरकार से मांग भी करते हैं हम कि ऐसे अधिकारी को तुरंत बदला जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज जो ऐसे साहब जो बौखलाए हुए हैं वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जिसकी जो जिसकी हम मांग कर रहे थे कि इस किलोमीटर स्कीम में भारी घोटाला है और इसमें जो पूर्ण रूप से ऐसे साहब की संलिप्तता है और भारी कमीशन लेकर के इन्होंने जो है 510 बसों का एग्रीमेंट जो ट्रांसपोर्टर के साथ किया था, आज वो पोल खुल चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जो इसकी जो विजिलेंस जांच करेगी आदेश जारी किए हुए हैं, आरोप जो जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। उसी के बौखलाहट में आकर के माननीय एसी साहब जो आज जो कर्मचारी कार्रवाई कर रहे हैं एक ध्यान भटकाने के लिए कि भी कर्मचारी जो है वो इधर इस तरफ ध्यान ना रहे और जो है वो जैसे हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, विजिलेंस जांच से ना हो, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ऐसे मतलब कामों से
ऐसे उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आदेश जारी करके कर्मचारी को जो है बरलाने का और वृद्ध करने का काम जो किया जा रहा है। कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं परिवहन विभाग में इससे पूरे हरियाणा में? अभी हमारे जो प्रभावित हुए कर्मचारी उनमें 2016 में लगे हुए कम से कम 350 कर्मचारी जो चालक पद पे हैं, और जो हमारे पार्ट वन तहत के लगे हुए कर्मचारी है पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो माली की सीट पे है पद पे था और चाहे पीएन की पे या स्वीपर की पे या किसी और पद पे जो काम कर रहे थे, कम से कम जो है टोटल मिला के 800 के करीब जो कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। तो जैसे ही क्या स्ट्रेटजी रही है, रणनीति क्या रही है? हमने कभी जैसे ही हमने इस बात का जो पता चला कि भी सामने से आदेश जारी किया, तो हमने तुरंत ऑल हरियाणा रोड की मीटिंग जो है उस क्षेत्र में बुला करके और वहीं से हमने जो है आज के प्रदर्शन का जो ऐलान किया था। और अब भी सरकार अगर नहीं मानती, क्योंकि ये ट्रेलर बेस है, अभी हमने ट्रेलर चलाया है, सरकार ये महसूस न करे, ऐसी साबित न माने के भाई अभी हाई कोर्ट की तरफ से जो है आदेश ये है कि अभी कोई हड़ताल नहीं करेगा। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि हम जब सम्मान करते हैं माननीय हाई कोर्ट का, ये मतलब हम ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के द्वारा सरकार के द्वारा हमारे को मजबूर किया गया या हमारे ऊपर किसी भी कर्मचारी का कुटारा घात हुआ उसको निकालने का प्रयास किया गया, तो रोड कर्मचारी दोबारा से जो है एक लंबा आंदोलन लड़ेगा और निर्णायक आंदोलन की तैयारी जो करेगा, और हम तुरंत जो है इसके बाद ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग बुला करके उसमें जो है निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की परिवहन के उच्च अधिकारियों की होगी। कुर्सी के तहत लगा था एक साल के लिए लिए थे और आज हमें 3 साल 3 महीने हो गए हैं और सरकार ने हमें 23 तारीख को हमारा निकालने का नोटिस जारी कर दिया है और हमें कह दिया गया कि आप बर्खास्त कर दिए गए हो पद से और अब आपको ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं। ये कब आपको बोला गया? ये हमें 24 तारीख को हमें नोटिस दे दिया था। आपको नोटिस मिल चुका? हाँ, नोटिस मिल चुका हमको। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कर्मचारी के रूप में, आप क्या सोचते हैं? इस फैसले को हमें सरकार कह रही है कि हमें रोजगार देंगे और हमें वापस फिर से बेरोजगार कर दिया गया। अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं और हमारी उम्र भी निकल चुकी है, अब हमें कहाँ रोजगार मिलेगा। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।